वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी शार्क से शुरू होती है, जो रिच सीईओ है और रोज नशा करके घर में डोमेस्टिक वायलेंस करता है। अपनी वाइफ विलोन को बहुत मारता पीटता है और कहता है कि मैंने तुमसे शादी बस इसलिए की है क्योंकि मेरे ग्रैंडमा अपनी जान देने की धमकी दे रहे थे। एक्चुअली में शार्क का अफेयर विलोन की छोटी बहन से चल रहा था 2 साल पहले, पर शादी विलोन के साथ करनी पड़ी, वरना आज शार्क और विलोन की छोटी बहन की शादी हुई होती और दोनों खुश रहते, इसका ऐसा कहना होता है। विलोन का ऐसा होता है क्योंकि शार्क को बचपन से पसंद करती है और उसे अपना क्रश मानती है। अब अपने क्रश से रोज मार खाने के बाद वो डिवोर्स लेना चाहती है। शार्क तो इस बात से बहुत खुश होता है कि ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। असल में शार्क विलोन की छोटी बहन से दूसरी शादी करना चाहता है। अगले दिन विलोन अपनी फ्रेंड को बताती है कि शार्क से उसकी शादी कैसे हुई थी, क्योंकि विलोन और शार्क होटल में सोते हुए बिना कपड़े के पकड़े गए थे। पता नहीं वहाँ पर मीडिया कैसे आ गई और कहने लगी कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो। अब शार्क को अपनी फैमिली की इज्जत बचानी थी, अपने ग्रैंडफादर के प्रेशर में आके उसे विलोन से शादी करनी पड़ी और इसी वजह से शार्क रोज विलोन पर गुस्सा करता है और मारता पीटता है और कहता है कि तुमने ही मुझे फंसाया है होटल में सोकर ड्रामा करके, और कहता है कि तुम्हारा क्रश था बचपन से मुझ पर, इसलिए तुमने ये सब ड्रामा किया और मुझे फंसाया और मुझसे शादी कर ली। अगले दिन विलोन अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जहाँ पर उसकी बहन ली को भी देखा जाता है। ये वही लड़की है जिससे शार्क प्यार करता है। यहाँ पर विलोन अपनी बहन और अपने स्टेप मदर और फादर की बातें सुन लेती है कि उन्होंने ही उस दिन विलोन को होटल में पहुंचाया था और मीडिया को भी वहां भेजा था ताकि विलोन के हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो ले सके। विलोन की जो रियल मदर थी वो प्रॉपर्टी के शेयर विलोन के लिए छोड़ गई थी, मगर अब वो ले चुकी थी और अब वो शार्क से भी उसका रिश्ता तोड़वाना चाहती थी ताकि वो शार्क से शादी कर ले। प्रॉपर्टी तो उसने पहले ही छीन ली है। विलोन ये जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और सोचती है कि मेरी फैमिली ऐसे कैसे कर सकती है, मैं तो अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, और कहती है कि अब मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है तो अब मेरे जीने का क्या फायदा है। तभी वो घर से भाग जाती है और एक बिल्डिंग पर आती है और उस बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाती है अपनी जान देने के लिए। तभी उसको शार्क की कॉल आती है और कहता है कि डिवोर्स पेपर तुमने भेजे नहीं, जल्दी लेकर मेरे पास आओ। तभी वो उसको कहती है कि मैं अब डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे ही साथ रहूंगी। दरअसल जब शार्क की कॉल आती है वो शार्क की आवाज सुनकर ये फैसला करती है कि अब मैं शार्क को कभी भी नहीं छोड़ूंगी जो मर्जी हो जाए, और कहती है कि सारी जिंदगी शार्क की वाइफ बनकर उसी के साथ रहूंगी। दूसरी तरफ ली शार्क को कॉल करती है और कहती है कि आज मिलते हैं, आज मेरी बर्थडे है। तभी वो ली विलोन को भी मैसेज करती है कि तुम भी आ जाना क्योंकि आज मैं और शार्क डेट पर जा रहे हैं। तभी विलोन तैयार होकर उसी जगह पर जाती है और देखती है कि शार्क और उसकी बहन ली एक रोमांटिक डिनर कर रहे होते हैं। तभी विलोन अपनी बहन ली पर वाइन गिराती है और कहती है कि मैं अब सब जानती हूँ जो तुमने मेरे साथ किया है। तभी शार्क गुस्सा हो जाता है। तभी शार्क विलोन से कहता है कि अभी माफी मांगो ली से, विलोन मना कर देती है। तभी शार्क विलोन को गाड़ी में बिठाकर और बहुत तेज गाड़ी चलाता है, तभी कहीं दूर ले जाकर गाड़ी को रोकता है और जबरदस्ती करने लगता है। तभी शार्क को कॉल आती है हॉस्पिटल से। तभी शार्क विलोन को वही उतार देता है अंधेरी रात में और खुद वहां से चला जाता है। पता चलता है कि ली हॉस्पिटल में एडमिट होती है और शार्क ली के लिए ही गया होता है। जब शार्क हॉस्पिटल पहुंचता है ली के पास, ली के पेरेंट्स भी वहां होते हैं और शार्क को बताते हैं कि हमारी बेटी घर आई थी ड्रंक होकर और अपनी जान देने की कोशिश की है, तभी हम फौरन से हॉस्पिटल ले आए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विलोन प्रेग्नेंट होती है और सोचती है कि अपने बच्चे को अकेले पालूंगी और सबसे दूर रखूंगी और बहुत प्यार दूंगी। नेक्स्ट डे वो प्लान करती है कि ये बात शार्क को बताएगी। तभी वो शार्क को कॉल करती है और कहती है कि आज रात खाना एक साथ खाएंगे। तभी शार्क उसे मना कर देता है। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं ली के पास ही रुकूंगा। तभी विलोन कहती है अगर तुम घर नहीं आए तो मैं खुद वहां पर आ जाऊंगी। तभी शार्क घर आ जाता है और आकर कहता है मैं बस कपड़े ही चेंज करने आया हूं। तभी विलोन कहती है कि बिग न्यूज है मेरे पास तुम्हारे लिए। शार्क उसकी सुनता भी नहीं है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि विलोन हॉस्पिटल आती है और रिसेप्शन से पूछती है कि ली का रूम कौन सा है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर डैन से टकराती है जो कि उसकी फ्रेंड का भाई होता है। डॉक्टर डैन की हरकतों से लगता है कि वो विलोन को काफी पसंद करता है। तभी विलोन उसको बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है और रूम में आती है और देखती है कि उसके पेरेंट्स भी वहीं होते हैं और शार्क भी वहाँ होता है। तभी शार्क विलोन के पेरेंट्स से कहता है कि मैं विलोन को जल्दी डिवोर्स दे दूंगा और ली से शादी कर लूंगा। तभी विलोन आगे बढ़ती है और उसके फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम बेटी कहलाने के लायक नहीं हो।
थप्पड़ लगने की वजह से विलोन नीचे गिर जाती है। तभी विलोन शांग को बताती है कि उस दिन वहाँ पर मुझे इन्होंने ही पहुँचाया था और मीडिया भी वहाँ उन्होंने भेजी थी। तभी शांग गुस्सा होता है ली पर। तभी विलोन को ब्लीडिंग होने लगती है और शांग पूछता है विलोन से, पर विलोन उसे कुछ भी नहीं बताती है कि असल वजह क्या है। तभी विलोन की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी शांग विलोन को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तभी विलोन नर्स से कहती है कि कुछ भी करो मेरे बेबी को बचा लो। दूसरी तरफ शांग बाहर वेट कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा अफसोस करता है और कहता है कि मैंने कितना बुरा बिहेव किया विलोन के साथ। असल में उसे सारी सच्चाई पता चल गई होती है ली की और उसके पेरेंट्स की। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर शांग से कहते हैं कि अब आपकी वाइफ कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। तभी डॉक्टर से शांग कहता है कि कुछ भी करो बस मेरी वाइफ को सेव करो। तभी शांग के पास ली की मदर आ जाती है और कहती है कि चलो चलो बेटा यहाँ से चलते हैं ली के पास, ली की तबीयत नहीं ठीक है। तभी शांग कहता है कि अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो ली के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे उसकी सच्चाई पता चल गई होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शांग के पास आते हैं और कहते हैं कि विलोन की तबीयत बिगड़ रही है, उसे ब्लड की जरूरत है, वो ब्लड यहाँ पर मौजूद नहीं है इस टाइम हॉस्पिटल में। तभी पीछे खड़ी ली ये बातें सुन रही होती है। तभी वो शांग के पास आती है और कहती है कि मेरा और विलोन का ब्लड बिल्कुल सेम है, अगर तुम्हें ब्लड की जरूरत है तो तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। तभी वो शांग से कहती है कि मेरी शर्त ये है कि तुम्हें अभी विलोन को डिवोर्स देनी होगी। तभी शांग उसकी शर्त को मान लेता है क्योंकि उसे विलोन की जान बचानी थी। अगले सीन में देखते हैं कि विलोन को 4 दिन बाद होश आती है और ली उसी के पास होती है। तभी ली उसको बताती है कि तुम्हारा बेबी तो नहीं बच पाया और ये सुनकर विलोन बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर डैना कर बताते हैं कि तुम्हारे ट्विंस हुए थे जिसमें से एक की डेथ हो गई और एक बच गया है। तभी विलोन डॉक्टर डैन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इस सिटी से कहीं दूर ले जाओ और तभी वहाँ डॉक्टर डैन उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा और ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। दूसरी तरफ शांग ने रिसर्च टीम बनाई होती है विलोन को ढूंढने के लिए, क्योंकि जब से विलोन गायब हुई थी शांग का तो दिल ही नहीं लग रहा था। असल में शांग को विलोन की आदत हो गई थी और इसी तरह ढूंढते ढूंढते 2 साल गुजर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शांग अपने ग्रैंडफादर से मिलने आया होता है क्योंकि उनकी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। तभी शांग के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुमने जब से डिवोर्स दी है विलोन को तब से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है और तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है, तुम्हारे पास ये कंपनी कौन हैंडल करेगा। तभी शांग के ग्रैंडफादर उसे ये भी कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे कजन ये कंपनी तुमसे हथिया ले। शांग तो विलोन को याद करता रहता है और सोचता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शांग एक गार्डन में जाता है, यहाँ पर अक्सर विलोन भी जाया करती थी, ये गार्डन उसकी मदर का होता है। तभी शांग घर के अंदर भी जाता है, वहाँ वो एक बॉक्स में पड़े लेटर भी पढ़ता है जो विलोन ने शांग के लिए लिखे होते हैं कि उसे कैसे उससे प्यार हुआ था और कैसे उसने शांग की जान बचाई थी। और उस लेटर में लिखा होता है कि जब शांग को होश आती है तो उसकी स्टेप मदर शांग को कहती है कि तुम्हारी जान ली ने बचाई थी। असल में शांग की जान विलोन ने बचाई होती है पर उसकी स्टेप मदर ली का नाम ले देती है कि तुम्हारी जान ली ने बचाई है। शांग वो सब लेटर पढ़ने के बाद बहुत रोता है, उसे समझ आ गया होता है कि अब तक तो वो झूठ की दुनिया में जी रहा था। दरअसल शांग के साथ सबने झूठ बोला होता है इसीलिए वो विलोन को गलत समझता है। अब शांग विलोन को हर कीमत पर ढूंढना चाहता है, वो अपने फ्रेंड को भी कॉल करता है और उसे भी इस काम पे लगा देता है। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि विलोन डॉक्टर डैन के साथ न्यूजीलैंड में रहती है और बताता है कि इन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी भी बदल रखी है और विलोन का 2 साल का बच्चा भी है। तभी शांग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी पता चलता है विलोन और उसका बच्चा एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और उनकी अस्थियां एक रिवर में बहा दी थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शांग पहुंच जाता है उसी रिवर पर और सोचता है कि मैंने कितना बुरा किया था विलोन के साथ। तभी शांग वहाँ विलोन और उसके बच्चे को देख लेता है। भी वहाँ डॉक्टर डैन भी आ जाते हैं और बताते हैं कि डेथ वाली न्यूज तो फेक थी। तभी शांग डॉक्टर डैन का कॉलर पकड़ लेता है। तभी शांग डॉक्टर डैन से कहता है कि तुम विलोन को कहाँ ले गए थे। डॉक्टर डैन कहता है कि तुमने विलोन के साथ बहुत बुरा किया था इसीलिए मैं उससे तुमसे दूर ले गया था। वहाँ पर उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर डैन विलोन और उसके बच्चे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं पर शांग भी हार नहीं मानता। अगले दिन फिर माफी मांगने के लिए वहाँ चला जाता है। वो बार बार वहाँ जाता है और कहता है कि मुझे एक चांस दे दो। विलोन मना कर देती है और कहता है कि मैं डॉक्टर डैन की लाइफ खराब कर दूंगा क्योंकि उसने इलीगल चीजें कर रखी है। तुम्हारी भी आइडेंटिटी बदली है और उसने अपनी भी बदली है। तभी विलोन डर जाती है और मान जाती है उसके साथ वापिस आने के लिए और कहती है कि तुम डॉक्टर डैन से दूर रहोगे और उन्हें इन सब चीजों से भी दूर रखोगे। तभी शांग उसकी बात को मान लेता है। दूसरी
तरफ ली को भी ये सब पता चल जाता है कि विलोन वापिस आ गई है। दरअसल ली ने ही ये सब खबर फैलाई थी कि विलोन मर गई है। दूसरी तरफ देखते हैं कि शांक बहुत ही अच्छा बिहेव करता है ताकि उसका दिल जीत सके, और विलोन भी मानने लग जाती है कि अब शांक बदल चुका है। अगले सीन में देखते हैं कि जब ग्रैंडफादर को पता चलता है कि विलोन वापिस आ गई है तभी वो मिलने के लिए आते हैं। उनको यकीन नहीं आता कि शांक का ही ये बच्चा है। ग्रैंडफादर उसी बच्चे के साथ खेलते हैं, तभी वो खेलते वक्त एक बाल उतार लेते हैं और डीएनए के लिए वो बेच देते हैं। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पता चलता है ये शांक का ही बच्चा है, और वो तभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ले उस बच्चे को टॉय का लालच देकर किडनैप कर लेती है और उसे बांध कर उससे पता नहीं क्या क्या सवाल करती है। बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। दूसरी तरफ शांक को पता चलता है कि ली ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है, तभी वो ली की लोकेशन ट्रैक करके उसी जगह पर पहुंच जाता है। जब शांक और विलोन उस जगह पर आते हैं, विलोन ली से कहती है कि मेरा बच्चा वापस कर दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तभी शांक आगे होकर बच्चे को पकड़ लेता है और कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा पागल हो, किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, और कहता है कि मैं हमेशा ही विलोन से प्यार करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। तभी ली को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, और एंड में देखते हैं कि शांक विलोन को प्रपोज करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा और उसके साथ रहेगा और एक अच्छा फादर बनकर दिखाएगा। तभी विलोन उसे माफ कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, और यहीं पे ये मिनी ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।